सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। लेट्स इन्जॉय द महाशिवरात्रि। तो फाइनली आज जो है मैं गया हुआ था मेला में। जब मेला में मैं गया था तो वहाँ पे मतलब तकरीबन 1000 के आसपास में लोग थे, वहाँ पे 1000 के आसपास में लोग थे। और इस टाइम तो और ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर, क्योंकि भाई आज जो शिवरात्रि का मेला काफ़ी भयानक लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पर शंकर भगवान खुद अपने आप से प्रकट हुए हैं। वहाँ पर मतलब स्थापना वगैरह नहीं किया गया है, वहाँ पे खुद से अपने खुद से शंकर भगवान वहाँ पर निकले हुए हैं शिवस्थान उल्टा पे। तो वहीं पर हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ का पूरा मतलब हम वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आए हैं, ब्लॉग बनाए हैं, जो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था पब्लिक लोगों का। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा भाई आप लोग, मतलब आप लोग वीडियो देखते हो, मैं देखता हूँ वीडियो, हर कोई देखता है, बट लाइक नहीं करते यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल के यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने से यार बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ भाई यार, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो फाइनली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को खूब ज़्यादा खूब सारा प्यार दीजिए। जो वहाँ का माहौल था ना, काफ़ी अच्छा था भाई। सुबह से मतलब 4 बजे से लेकर वहाँ पर मतलब लोग आ रहे थे, जा रहे थे लोग, मतलब लोग का आना जाना लगा रहा था। और वहाँ पर मतलब ना काफ़ी दूर दूर से भी लोग आ रहे थे, काफ़ी दूर दूर से, बाइक से, फिर से 4-व्हीलर, मारुति, स्कॉर्पियो वगैरह से भी आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में पूरा आगे दिखाई देगा कि हाँ भाई वहाँ पर कैसे मतलब लोग आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा था वहाँ का जो माहौल था। और इस टाइम शायद कुश्ती भी होगा, शाम के टाइम में कुश्ती भी होता है वहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। मतलब गाँव के जो सरपंच लोग होते हैं ना, वही कराते हैं वहाँ पर, कुश्ती वगैरह कराते हैं। तो इस टाइम तो और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ लगा होगा वहाँ पे, मतलब हर कोई सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक भाई वहाँ पे जल, एकदम शंकर भगवान को जल दिया जाता है, एकदम शंकर भगवान पूजने लोग आते हैं वहाँ पे। तो सब कोई वहाँ पे गया था, मैं भी उसका वीडियो बनाया, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ था मंदिर के पास। कीर्तन वगैरह भी बैठा हुआ था, कीर्तन उर्तन हो रहा था। और वहाँ पे एक रंगदार, मतलब मजे की बात ये है कि वहाँ पे जो एक अंकल थे वो काफ़ी ज़्यादा फनी स्टाइल में थे, जोकर वगैरह बने हुए थे, तो थंबनेल में आप लोग देख लेंगे उनको भी। तो वहाँ पे मतलब पूरा एकदम मुंह पे सफ़ेद वो लगाए हुए थे पाउडर वगैरह, और मतलब पूरे एकदम जोकर टाइप से बने हुए थे, काफ़ी अच्छा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे वहाँ पे लोगों से, हर कोई उनको मतलब पैसा भी दे रहा था। उनके साथ में जो पार्टनर वगैरह लोग थे वो भी खूब मज़े कर रहे थे, लड्डू वगैरह ले जाके खिला दे रहे थे। खाने का जो उनका स्टाइल था काफ़ी अच्छा था, वो भी वीडियो में आगे ब्लॉग में मिलेगा आप लोग को सब देखने को। तो आप लोग भाई शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। फिर से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ भाई, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल पे मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जब सब्सक्राइब भी एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है ना, तो फिर इतना खुशी मिलती है भाई, फिर से मतलब अलग वाली फीलिंग होती है भाई, जो मतलब के मतलब जब सब्सक्राइबर चैनल पर बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। नहीं, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं बार बार यही बोलूँगा भाई, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ दिन बाद और मतलब बढ़िया से ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा पेपर वगैरह चल रहा है ना, इंटर का बोर्ड पेपर चल रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा ब्लॉग बनाने में भी दिक्कत हो रही है भाई। इधर शादी के घर पर तैयारी चल रहा है, शादी का भी तैयारी चल रहा है, उधर भी वहाँ पर भी तैयारी चल रहा है।